Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, तो भोपाल से भी ये मतदान दल रवाना हो रहा है। आप देखिए तस्वीरें, ये भोपाल के लाल परेड ग्राउंड की, यहाँ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी जो है भोपाल लोकसभा के अलग अलग पोलिंग बूथ पर रवाना हो रहे हैं। इसमें अलग अलग विभागों के कर्मचारी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है। यहाँ पर सभी मतदान दलों को पूरी तैयारियों के साथ रवाना किया जा रहा है। उनको यहाँ से EVM मशीन और इसके अलावा जो पूरी सामग्री है चुनाव की, वो यहाँ से देकर रवाना किया जा रहा है। गर्मी का मौसम देखते हुए इनको मेडिसिन किट भी यहाँ से दी जा रही है कि अगर मतदान पोलिंग बूथों पर अगर कोई मतदाता अगर उसके स्वास्थ्य में कोई खराबी आती है तो उसको किस तरह से उपचार किया जा सके, और इसके अलावा ORS के घोल और गर्मी से बचाव के भी किस तरह से इंतज़ाम है वो भी यहाँ पर मतदान के जो दल हैं उनको यहाँ से सामग्री देकर रवाना किया जा रहा है। लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कहाँ लगी आपकी इस बार ड्यूटी चुनाव में? मेरी जागृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। वैसे कौन से विभाग से हैं आप जी? कौन से विभाग से हैं आप? हम शिक्षा विभाग से हैं। अच्छा, इससे पहले कभी चुनाव में ड्यूटी की आपने? बहुत पहले की थी, काफी समय हो गया। इस बार बहुत ज्यादा गर्मी में का मौसम देख रहे हैं हम चुनाव के समय में, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इन सब चीजों को? नहीं, उन्होंने सारी व्यवस्था दी है, मेडिसिन वगैरह भी दी है उसमें, और ORS के घोल ग्लूकोन वगैरह सब दिया। EVM मशीन और ये वगैरह सामान VVPAT आपको दिए गए, इसकी पूरी ट्रेनिंग ली थी पहले आपने? हाँ, ट्रेनिंग हुई थी 2 बार जी, सारी चीजें समझाई गई, अच्छे से बताया गया। और भी लोग उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव में कहाँ लगी इस बार आपकी ड्यूटी? इनकी नहीं ली है, मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट हूँ, सेक्टर 24 में नरेला है। मेरे पास 12 सेंटर है, एक कन्या गोविंदपुरा में 5 सेंटर है, सेंट जॉन्स में 5 सेंटर है, नम्रता है। सर, ये जो मतदान दलों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है, इन सबकी पूरी ट्रेनिंग सबको दे दी है पर्याप्त पूरी, किस तरह से EVM चलवाना? 3-4 तरह की ट्रेनिंग हो चुकी है, और इनकी मदद अगर कभी कोई दिक्कत भी आती है, सेक्टर ऑफिसर वहाँ रहते हैं सेंटर पे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से चुनाव होगा। सर, गर्मी का ज्यादा मौसम देखने को मिल रहा है, उसके बचाव के क्या इंतजाम रहेंगे? प्रशासन ने किए हुए हैं, कूलर वगैरह पंखे किए हैं प्रशासन ने किए, हम लोगों को पता है कि प्रशासन ने सब इंतजाम किए हैं इनके। और भी लोग हैं उनसे बात करने के लिए भी। आपकी ड्यूटी भी लगी है चुनाव में? हमारी नहीं है। सही है। और भी ये मतदान दल यहाँ से रवाना होंगे, आप लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मैम, गर्मी का भी इस बार मौसम में क्या कुछ बचाव के इंतजाम करके ले जा रहा अपने साथ? जी सर, बचाव के लिए ग्लूकोज वगैरह रखा है, आम का पन्ना रखा है। जी। अच्छा, पहले भी करी है आपने चुनाव में ड्यूटी है? पहली बार ड्यूटी लगी? जी सर, इसके पहले भी किया है मैंने। अच्छा, घर में बच्चों वगैरह को छोड़ के जा रहे होंगे इस बार आप? जी सर, घर बच्चों को घर में छोड़ के आए हैं 2 दिन के लिए। तो ये मतदान कितना जरूरी है इस बात को बताता है कि बच्चों को घर पर छोड़कर आए आप? सर, ड्यूटी अपनी जगह जरूरी है, बच्चे भी अपनी जगह हैं, दोनों चीजें बराबर उसमें हैं। जी सर। अच्छा, ऐसे में गर्मी का मौसम भी तेज है, बच्चों को भी घर पे छोड़ा है, आप लोगों से क्या कहेंगे जो घर से निकलकर वोट करने भी नहीं जाते हैं? तो जाना चाहिए ना सबको? बिल्कुल जाना चाहिए सर, क्योंकि इतने हम लोग भी अपने बच्चों को छोड़ के इतनी धूप में इतना सब किसके लिए कर रहे हैं? उन्हीं के लिए कर रहे हैं, है ना? तो उनको जाना चाहिए, बिल्कुल वोटिंग करनी चाहिए और अपने देश हित में योगदान देना चाहिए। अच्छा मैम, क्या क्या सामग्री आपको यहाँ से मिली है जो आप लोग पोलिंग बूथ के लिए लेके जा रहे हैं? हम लोग मशीन ले जा रहे हैं, और जो इंक है, और बाकी जो मतदान के लिए जो लगती है जो जरूरी चीजें वो सारी है, सब सामान के नाम वोटर लिस्ट है जिन पे उनके नाम लिखे हुए हैं, किसको देना है, कौन कौन वहाँ पे आएंगे लोग, ये सब सामान है। वैसे कौन से विभाग से हैं आप लोग? मैं SV पॉलिटेक्निक कॉलेज से हूँ, श्यामला हिल्स। हाँ। अभी तक बच्चों को पढ़ाते, छात्रों को पढ़ाती थी, और अब जो है वोट डलवाने जा रहे हैं। बिल्कुल। इतना नया रहेगा ये अनुभव आपके लिए, कि ट्रेनिंग मिली होगी इसकी आपको? जी सर, ट्रेनिंग मिली है, मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरी बहुत साल बाद लगी इस बार ड्यूटी। अच्छा, EVM VVPAT को लेकर भी ट्रेनिंग मिली थी आपको? जी सर, मिली थी ट्रेनिंग। तो यहाँ से आपके साथ ही कितने लोग जा रहे हैं पूरे ड्यूटी करवाने? सर, हम लोग 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, हमारी GB Pant स्कूल में लगी है फुल बोगता। अच्छा, एक टीम रहती है, उसका अलग अलग क्या क्या काम रहता है, आप लोग को क्या क्या काम सौंपे गए? हम लोग के PO हैं, P1 है, और P2 है, और P3 है। मेरी P3 में लगी है, मुझे बैलेट यूनिट जारी करनी है, तो एक बटन मुझे दबानी है। तो वो वहाँ जब चले जाएंगे तो मैं बटन वो कर दूंगी प्रेस, फिर वो वहाँ से अपना वोट देंगे, और यहाँ पे मुझे सिग्नल आ जाएगा कि उन्होंने वोट दे दिया है,
फिर उसके बाद ही दूसरा व्यक्ति जा सकता है। आपकी क्या काम में ड्यूटी लगी है? मेरी सर पीटू में लगी है, इसमें रजिस्टर का काम रहता है, पूरी एंट्री रहती है, जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आते हैं उनकी एंट्री अपन करते हैं, और स्याही लगाने का काम है और पर्ची देने का काम है मेरा। जी सर, तो बिल्कुल ये भोपाल लोकसभा सीट पर करीब 2097 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग विभागों से भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है ताकि बेहतर तरीके से मतदान हो सके और लोग आसानी से पहुंचकर मतदान करें। मतदान केंद्रों पर भी गर्मी से बचाव के कई तरह के इंतजाम किए गए हैं, धूप ना हो इसके लिए टेंट लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, ORS घोल की व्यवस्था की गई है, और लोगों से यही अपील की जा रही है कि लोग घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।